अगर ये नीली लौ है तो ये आपके लिए एक अच्छी ज्योति है। ये एक एथरिक या आकाशिक घेरा बनाएगी जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके बोध के लिए। अगर आप अपने घर में 50 से 100 दिए जलाते हैं और बस वहां बैठते हैं तो आप में एक बदलाव आएगा, बड़ा बदलाव। कल या परसों दीपावली या दिवाली है, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली का मतलब है कि ये प्रकाश का त्योहार है। इस दिन पूरे भारत में लाखों करोड़ों तेल के दिए जलाए जाते हैं। साल में कम से कम एक दिन आप ऐसा करें और देखें कुछ खास तरह के वनस्पति तेल। कैसे पता करें कि ये उस तरह का है या नहीं? अगर आप तिल का तेल या मूंगफली का या अरंडी का तेल उपयोग करते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से वैसे होंगे, लेकिन अगर आपके पास उस तरह का तेल नहीं है और आप एक दिया जलाते हैं तो आप ऐसा तेल प्रयोग करें जिसका स्मोकिंग पॉइंट यानी धूम्र बिंदु बहुत ऊंचा हो। धूम्र बिंदु आप जान सकते हैं ऐसे कि जो उसकी पीली लौ है तो उसका ऊपरी हिस्सा कितना नीला है। अगर नीला ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इसका धूम्र बिंदु ऊंचा है, यह आपके लिए एक अच्छी ज्योति है। अगर आप इसे जलाते हैं, मैं इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि यह जानवरों के फैट वाले तेल और दूसरी चीजों के साथ नहीं होगा जो आप यूज करते हैं, क्योंकि यह मुख्यतः केवल पीली लौ होगी। लेकिन अगर आप वनस्पति तेल जलाते हैं तो इसका धूम्र बिंदु बहुत ऊंचा होता है। तो अगर आप अपने घर में 50 से 100 दिए जलाते हैं और बस वहां बैठते हैं तो आप देखेंगे कि आप में खास तरह का बदलाव आएगा। आप अपने बिजली के बल्ब बंद कर दें, केवल ये दिए जलने दें, आप देखेंगे कि ये बहुत अंतर लाएगा। ऐसा है कि सर्दी की शुरुआत से पहले आपको थोड़ी सी आग की जरूरत होती है, वरना विकासवादी आदाश्त आपको नीचे लाने का प्रयास करती है। अगर आप सचेतन अपने जीवन को धीमा करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और चीज से विवश होकर नीचे जा रहे हैं तो यह अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे जीवन डिप्रेस हो जाएगा, न कि एक सचेतन स्थिर हुआ जीवन। सचेतन स्थिरता लाना शानदार है, लेकिन डिप्रेशन अच्छी बात नहीं है। शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से आप थोड़े उदास हैं, ऐसा होना अच्छा नहीं है। ये उस जीवन के लिए सहायक नहीं है जो आप हैं। आपके शरीर और मनोवैज्ञानिक ढांचे को उस जीवन के लिए सहायक होना चाहिए जो आप हैं। अगर वो ऐसे हो जाते हैं, अगर शारीरिक रूप से थोड़े बीमार हैं, तुरंत मन शरीर के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करता है और कहता है, मैं जीवित क्यों हूं? क्या ये सच में जरूरी है? रहें या ना रहें? चाहे आप इस सवाल को साफ साफ व्यक्त करें या नहीं, ये उठता है ना? हेलो, जिस पल अगला कदम उठाना किसी वजह से बोझिल हो जाता है, चाहे जो भी वजह हो, अचानक ये सवाल उठता है, जिएं कि न जिएं? तो अगर आप अपने जीवन को उल्लासमय रखना चाहते हैं तो आपको थोड़ी चिंगारी चाहिए, आपको प्रज्वलित होना चाहिए। दिवाली इसी के लिए एक प्रयास है। जब इस ग्रह पर जीवन, कम से कम उत्तरी गोलार्ध में जो जीवन है, शीत निद्रा की ओर बढ़ रहा है, हम इसे कई तरीकों से जीवंत करते हैं। अगले महीने से पूरे एक महीने तक लोग अपने घर में बहुत सारे दीपक जलाते हैं ताकि उमंग बनी रहे। संगीत समारोह होते हैं, कई तरह की चीजें होती हैं ताकि आप सर्दियों में ऐसे ना हो जाएं। अगर आप पूरे साल ऐसे हैं, नहीं, मैं शाम के समय की बात कर रहा हूं, अगर आप हमेशा किसी और कारण से ऐसे हैं, आप शीत निद्रा वाले तरल पदार्थों में हैं। जब आप एक बहुत ही ऊंचे धूम्र बिंदु वाली ज्योति जलाते हैं, मान लीजिए एक दिए की लौ,
जो लगभग 3/4 इंच लंबी होती है, अगर उसमें से 1/3 भाग नीली लौह है, तो वो कम से कम 2.5 से 3 इंच के व्यास का एक आकाशीय या एथरिक घेरा बनाएगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है किसी व्यक्ति के बोध के लिए। नहीं तो खाना, सोना, प्रजनन, ये वो, रोज का संघर्ष, ये सब केवल 4 तत्व हैं। 5वां तत्व कभी आता ही नहीं। अगर आप अपने बोध को बढ़ाना चाहते हैं तो आकाश बहुत महत्वपूर्ण है। तो खासकर जब भौतिक जीवन धीमा होने लगता है, तो आप इसे अपने जीवन के बोध को बढ़ाने के लिए एक आधार के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। इसीलिए दीपावली। इसलिए आप सभी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म संस्कृति से जुड़े हैं, क्योंकि ये धार्मिक उत्सव नहीं है। हालांकि दुर्भाग्य से आजकल कंपटीशन के कारण ऐसा हो गया है, वरना ये सभी के द्वारा मनाया जाता था। Otherwise, this was celebrated by everybody because everybody understood. क्योंकि सभी समझते थे कि इसका संबंध हमारी भौगोलिक स्थिति से है, हम इस ग्रह पर कहाँ हैं और इस दौरान पृथ्वी के साथ क्या हो रहा है। इसका हमारे कैलेंडर और हमारे सौर मंडल से संबंध है, हमारी मान्यताओं से नहीं।